दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे आईएफएससी के स्टॉक के बारे में। जैसा कि आज आपने देखा कि भाई आईएफएससी का शेयर अगेन फिर से हमें वोलेटिलिटी में देखने को मिला। इंट्राडे के अंदर देखो कि भाई तो शेयर के अंदर हमें यहाँ पे रेड जोन भी देखने को मिला। ओपनिंग हुई थी स्टॉक की 40.99 पे एंड स्टॉक ने लो क्रिएट किया 139.50 का। एंड अभी के टाइम एक बड़ी अपडेट आ चुकी है मार्केट समझो की तरफ से, यानी कि दोस्तों एसएमजी ने मार्केट को लेकर कुछ बड़ी अपडेट दी है, यानी स्टॉक को लेकर कुछ बड़ी अपडेट दी, यानी कि देखिए एक बड़ी रेटिंग जारी करी है। देखिए आईएफएससी के टाइम इस कंडीशन में आ चुका है कि कोई भी आता है आईएफएससी को बजा के चला जाता है, यानी कि आईएफएससी का जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं अब हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी फिर से जो रेटिंग एजेंसी है उसकी तरफ से भाई एक बड़ी रेटिंग आई है जैसा कि आप देख सकते हो। तो वो रेटिंग हम देखेंगे क्या है, कितना यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या पैसा निकालना चाहिए या जो मतलब रुकना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी हमारी रहनी चाहिए। अभी टाइम अगर देखोगे मार्केट में भी भाई 26 पॉइंट का डाउनफॉल आज फिर हमें देखने को मिला, कंटिन्यू मार्केट गिर रहा है, मार्केट के साथ साथ आईएफएससी भी प्रेशर दिखा रहा है। देखिए दोस्तों आज 1.5 करोड़ की वॉल्यूम नजर आई है, 207 करोड़ का हमें कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है, डेली बेसिस वॉलिटिलिटी आ रही है, 24% की मात्रा यहाँ पे डिलीवरी है। एंड अभी के टाइम जो आपके 3 के शेयर दोस्तों हमें जो बाइंग क्वांटिटी है उसमें देखने को मिल रहा है, कह सकते हैं कि चलो हाँ बाइंग क्वांटिटी लगी हुई पर फिर भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ओवरऑल तो गिरना ही है शेयर को जैसा कि कंटिन्यू गिर रहा है। अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे उछाल था, इसके बाद फिर से सेलिंग आई, नीचे आया, फिर से बाइंग आई, ऊपर गया, फिर से सेलिंग आई यहाँ पे, तो टोटल स्टॉक में हमें वॉलिटिलिटी यहाँ पे नजर आ रही है। एंड सबसे बड़ी चीज़ दोस्तों की अभी के टाइम अपडेट क्या, तो एक बार हम अपडेट को चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इस स्टॉक का आखिर करें तो क्या करें, क्या यहाँ पे दोस्तों स्टॉक ऊपर जाएगा या भाई ऐसे ही यहाँ पे करता रहेगा। जैसा कि कई लोगों ने 150+ खरीदा है वो बहुत ही ज्यादा पैनिक है, खासकर वो लोग जो 200+ खरीद रखे हैं, भाई उनको तो समझ नहीं आ रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दूं या पैसा निकाल दूं, क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, कंटिन्यू पोर्टफोलियो में बढ़ रहा है। जैसा कि आप देखोगे देखिए आईएफएससी के शेयरों में गिरावट का रुख एंड विश्लेषकों ने नकारात्मक धारणा के बीच बेचने की सलाह दी है भाई। एंड विशेष जो आपके विश्लेषक है भाई उनका अपडेट देख लेते हैं। देखिए आईएफएससी के शेयरों के प्रदर्शन में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है, 13 नवंबर को भी शेयर के अंदर करेक्शन था, आज भी अगर आप देखोगे तो वॉलिटिलिटी हमें कंटिन्यू देखने को मिल रही है। पिछले 5 दिन में अगर देखोगे शेयर के अंदर कंटिन्यू हमें रेड जोन देखने को मिला एंड जो स्टॉक के मूविंग एवरेज वगैरह है समग्र बाजार के अकॉर्डिंग देखें तो भाई शेयर ने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया है। अगर आप देखोगे तो जो आपके देखिए निवेशकों के बीच सावधानी बरतने की आवश्यकता अभी के टाइम बताई जा रही है कि स्टॉक में थोड़ा सा सावधानी बरती है, बड़े फ्लेयर्स अभी के टाइम ये कह रहे हैं, यानी कि जो ब्रोकरेज वगैरह वो कह रहे हैं। देखिए आईएफएससी हाल ही में अपने स्टॉक के प्रदर्शन में गिरावट का सामना कर रहा है, 13 नवंबर 2024 को स्टॉक ने भाई 3.5% गिरावट दिखाई, यानी कि कल स्टॉक ने 3.5% की गिरावट दिखाई है, उसके बाद आज फिर वोल्टेज नजर आई एंड मार्केट समझो की तरफ से आप देखिए। देखिए फर्म की स्टॉक विशेषज्ञ प्लेटफॉर्म मार्केट समझो के अनुसार आईएफएससी के स्टॉक को सेल की रेटिंग इन्होंने यहाँ पे दी है, कंपनी के हालिया प्रदर्शन और बाजार के रुझान पर आधारित इन्होंने ये चीज़ें बताई है। देखिए कंपनी पिछले अगर आप देखोगे तो अपना जो इंडस्ट्री है ना भाई उससे भी नीचे परफॉर्मेट रही, यानी कि कई चीज़ें कई जो स्टॉक होते हैं वो भाई आउट परफॉर्म होते हैं, यानी कि मार्केट को भी आउट परफॉर्म करते हैं, कई स्टॉक ऐसे होते हैं जो मार्केट हो चाहे सेक्टर हो उसको अंडर परफॉर्म रख देते हैं, तो यहाँ पे ये स्टॉक हमें कैसा देखने को मिल रहा है, अंडर परफॉर्म, यानी कि सेक्टर से भी कम परफॉर्म ये कर रहा है विकेट है। एंड पिछले 1 साल से तो भाई सारी चीज़ें यहाँ पे खत्म हो चुकी है। देखिए आईएफएससी के मूविंग एवरेज भी नकारा जो यहाँ पे निराशाजनक तस्वीर पेश करते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि स्टॉक भाई अपने 5 दिन 20 दिन 50 दिन 100 दिन 200 दिन के मूविंग एवरेज से कम पर कारोबार कर रहा है। ये कंपनी के स्टॉक प्रदर्शन में गिरावट की प्रवृत्ति को और पुष्ट करता है, यानी कि पुष्टि यहाँ पे हमें नजर आ रही है कि वॉलिटिलिटी आगे बढ़ सकती है। समग्र बाजार की तुलना में आईएफएससी के स्टॉक में चीज़ है कि कुल मिलाकर भारतीय रेलवे वित्त निगम के स्टॉक का हालिया प्रदर्शन चिंताजनक रहा है, निवेशक कोई भी निर्णय लेने से पहले कंपनी के वित्तीय और बाजार के रुझान पर बारीकी से नजर बनाए रखे, ये बड़े प्लेयर्स का अभी के टाइम कहना नजर आ रहा है। यानी कि भाई अभी के टाइम खासकर नए बायर थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि कंटिन्यू ब्रोकरेज हो चाहे कोई भी हो बड़े प्लेयर्स हो अभी के टाइम सावधानी बरतने को लेकर स्टॉक में बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से काम करिए, क्योंकि पिछले 6 महीने 8 महीने 9 महीने का देखोगे रिटर्न तो कोई भी रिटर्न नहीं है। एंड करंटली देखिए स्टॉक का कोई भी स्टॉक होता है मार्केट में उसका चलो बांधते हैं 5 दिन का मूविंग एवरेज टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन का टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, 50 दिन का टूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, एंड 100 दिन का भी टूट जाए कोई भी दिक्कत नहीं है। बट भाई जब 200 दिन का मूविंग एवरेज टूटता ना तो कहीं ना कहीं स्टॉक के अंदर हमें जो 200 दिन पहले लोग खरीद रखे हैं वो सभी कंटिन्यू लॉस में आते जाते हैं, वहाँ से भी कमजोर इन्वेस्टर बाहर निकल रहे हैं। कई बार क्या होता है जब मान के चलो कोई भी कमजोर इन्वेस्टर मार्केट में घुसता है, मान के चलो 1 लाख रुपए लगाए प्रॉफिट हो गया तो वो सोचेगा कि चलो लॉन्ग टर्म ले जाते हैं, बट जैसे ही उसके 1 लाख रुपए के पास मतलब 1 लाख रुपए पे आँच आएगी जो मेन कैपिटल है तो भाई वो जल्दी से पैसा निकालेगा, वो नहीं रुकेगा फिर भाई चलो प्रॉफिट गया भाड़ में जो मैं रुका उसको मैं निकालता हूँ, तो ये चीज़ें हमें नजर आती है। एंड जैसा कि मैंने आपको एक मेन अपडेट कल भी बताया था कि हमने एक अपना नया चैनल ओपन किया जो कि फेस वाला है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाइएगा सपोर्ट करेगा सब्सक्राइब करेगा ठीक है। एंड जैसा कि स्टॉक का टेक्निकल व्यू देख लें तो अभी के टाइम टेक्निकली देखने को भी कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए आरएसआई ऑलमोस्ट 30 के आसपास चल रहा होगा एंड स्टॉक का जो यहाँ पे सपोर्ट है वो जैसा कि मैंने बता रखा 140 की टूट चुका है ऑलमोस्ट अगर देखें तो ये चीज़ें ऑलरेडी अभी टाइम ऑलमोस्ट दिख रहा है कि 130-135 तक के लेवल हमें देखने को मिल जाए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म में कुछ हो सकता है, बाकी शॉर्ट टर्म में तो इसी वोल्टेज कंटिन्यू रह सकती है, क्योंकि मार्केट का प्रेशर बहुत ही ज्यादा अभी के टाइम नजर आ रहा है। मार्केट हालिया दिनों में देखोगे तो ऑल टाइम हाई से अभी के टाइम 10-11% हमें देखने को मिल रहा है, यानी गिरावट में गिर चुका है, तो ये स्थिति नजर आ रही है। आईएफएससी में डेफिनेटली आप दोस्तों यहाँ पे चीजों को समझिए, आईएफएससी रेलवे की ग्रोथ में सब मैंने आप ही छोड़ रखी कि आप थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग सोच के रखिएगा, क्योंकि कोई भी स्टॉक के अंदर कंटिन्यू गिरावट नहीं आती, कंटिन्यू तेजी भी नहीं आती है, जैसा कि कोई स्टॉक एक रेंज में ज्यादा दिन तक कारोबार नहीं करता है वही सीन यहाँ पे नजर आएगा, यानी कि बाउंस तो आएगा स्टॉक में लॉन्ग टर्म बेसिस पर, थोड़ा सा वेट करिएगा यहाँ पे, मतलब वेट का मतलब ये कि लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 2-3 साल यहाँ पे होता है, तो मैंने पहले ये कहा था कि इस स्टॉक का विजन अपना होना चाहिए जब तक मोदी जी है ठीक है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है, तो ये स्ट्रेटजी हमारी लॉन्ग टर्म बेसिस रहनी चाहिए। एंड चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को हिट कर लो ताकि कंटेंट आपको मिलते रहे। थैंक यू।